आजकल खुद को विदर्भवादी कहलाने की दौड़ में प्रमुखता से शामिल फर्जी विदर्भवादियों की विदर्भ में बाढ़ सी आ गई है। इन्हीं में स्वघोषित विदर्भवादी नेता जो हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित आशीष देशमुख इन दिनों बीजेपी की राह जा रहे हैं। देखिए बीजेपी में जाकर आशीष देशमुख कितने फूल खिलाते हैं या खिले हुए फूलों को मुरझाने का काम करते हैं। कभी युवक कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े और नागपुर लोकसभा सीट पर तत्कालीन कांग्रेस एएमपी का ही विरोध कर खुद राहुल गांधी से नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़कर तब कांग्रेस से निष्कासित हो चुके इस नागपुरी नेता का खुद का कोई वजूद नहीं है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस अब फिर बीजेपी, ऐसे घूमते फिरते जहां से भी जो पार्टी टिकट दे दे वही खड़े हो जाएंगे, फिर चाहे जनता पीट दे या विरोधी उम्मीदवार, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप दादाओं ने राजनीति के साथ शिक्षा का व्यवसाय इनके लिए खोल रखा है। माल आता रहेगा, इनका कनूबा चलता रहेगा कि परंपरा पर ये भी महंगे शिक्षा के व्यापारीकरण का धंधा करते रहेंगे और माल सुतों की तर्ज पर कमा राजनीति में अपनी शाह बघारते रहेंगे। इन्हें रोकने वाला कौन है? कभी कांग्रेस में रहकर उसी के विरोध में बयानबाजी कर पब्लिसिटी बटोरने वाली आशीष बाबू घोर विदर्भ विरोधी रही बीजेपी में जाकर 4.5 साल तक सत्ता की मलाई खाकर एकाएक अलग विदर्भ की मांग को लेकर बीजेपी से ही अलग हो गए। अपनी संपत्ति के दम पर कभी विदर्भवादियों के अलग विदर्भ मांग वाले आंदोलन को हाईजैक करने जैसे कुकृत्य कर चुके बाबू इन दिनों ना कांग्रेस के है ना बीजेपी के। अब बस कोई इन्हें किसी न किसी सभागृह का सदस्य बना दे और इनकी नैया पार लगा दे, ये बाबू उसी के हो लेंगे जैसे इनकी अवस्था है। माननीय बावनकुळे साहेब आमचे जीवलग मित्र आहेत, ऊर्जावान ते पालक मंत्री होते तेव्हापासून आमचे त्यांचे संबंध आहे आणि ते आणि आज फडणवीस साहेब राज्याचे उपमुख्यमंत्री हे इथे आले आणि तिघांच्या चर्चेच्या माध्यमातून एक नवीन विदर्भामध्ये फर्टिलायझर कॉम्प्लेक्सची उभारणी व्हावी या दृष्टीची आमची चर्चा नाश्त्याचा आस्वाद घेता घेताना चांगली झाली। काँग्रेस ही माझ्या रक्तात आहे। आमचे वडील सन्माननीय रणजितबाबू देशमुख साहेब हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे दोनदा प्रांताध्यक्ष होते आणि म्हणून काँग्रेसचे लोक घरीच कुठं येणार आहे? काँग्रेसचे लेके हे मोठे नेते आहेत, ते असे कोळी कोणाच्या घरी जात नाही। जे घरात आहे त्यांना लाता मारून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसचे नेते प्रयत्न करतात, ही मात्र शोकांतिका एक काँग्रेसजन म्हणून मी आज आपल्या सर्वांसमोर